राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दो हजार 2019 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। अपने 4.5 से ज्यादा समय के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 विदेश यात्राएं की, जिसका खर्च 2021 करोड़ रुपए आया है। उनके मुकाबले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 38 विदेश यात्राएं की थी। पीएम मोदी के चार्टर्ड विमान को किराए पर लेने का खर्चा 429.28 करोड़ रुपए रहा। ये राशि मनमोहन सिंह से केवल 64 करोड़ रुपए कम है। ये आंकड़े राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने दिए। अगर विदेश यात्रा और विमान के खर्च को जोड़ दिया जाए तो कुल राशि 2450 करोड़ रुपए हो जाती है। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, 4 यात्राओं के लिए चार्टर्ड विमान में 19.32 करोड़ रुपए के खर्च को फिलहाल धन की कमी के कारण इस वित्त वर्ष में पारित नहीं किया जा सका है। इसमें पीएम का अप्रैल महीने में किया गया स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी, मई में रूस, 28 मई से 2 जून के बीच का इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर और जून में चीन का दौरा शामिल है। पीएम मोदी के विदेश यात्रा का खर्च पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मंत्रालय ने कहा है कि उसे मई से लेकर नवंबर तक इस साल की गई यात्राओं का बिल नहीं मिला है। इसमें नेपाल, रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका और मालदीव की यात्रा शामिल है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद संजय सिन्हा ने दोनों पीएम के विदेश यात्राओं पर हुए खर्च, उनके साथ कितने लोग गए थे, इसका विस्तारपूर्ण ब्यौरा मांगा था। जवाब के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ पर विमान के रखरखाव पर खर्च हुए 375.29 करोड़ रुपए बकाया है। पीएम मोदी के कार्यकाल में विमान के रखरखाव का खर्च पूर्व पीएम की तुलना में 731.58 करोड़ रुपए ज्यादा रहा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विमान के रखरखाव पर 842.6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि पीएम मोदी के शासन में 1574.18 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो कभी मौन प्रधानमंत्री नहीं रहे। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान वो लंबी प्रेस वार्ता किया करते थे, जिसमें भारतीय पत्रकारों का एक दस्ता उनके साथ चला करता था। राज्यसभा में दिए जवाब के अनुसार पीएम मोदी पत्रकारों के एक बहुत छोटे समूह को अपने साथ लेकर जाते हैं। पहले साल में पीएम मोदी सिर्फ न्यूज एजेंसियों जैसे कि पीटीआई, ANI और UNI के पत्रकारों को लेकर गए थे। 2016 में इन एजेंसियों के सिर्फ फोटो पत्रकारों को साथ जाने की इजाजत थी और 2017 में पीटीआई के फोटो पत्रकारों को हटा दिया गया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।